हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शायद अभी हम लोग आए हुए हैं नंगल के पास ही एक पिंड है जिसका नाम है अजोली। हम यहाँ पे कैसे आए, कैसे पहुँचे, किस एडवेंचर से, कौन कौन सी जर्नी को फॉलो करते हुए आए, प्लीज आगे तक ब्लॉग देखिए। पूरा सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। एंड गाइस, तब तक के लिए मैं चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ इस व्यू के साथ। होपफुली गाइस, अभी तक आपको मेरी जंगल सीरीज अच्छी लग रही होगी। काफी अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब काफी मजा आ रहा है अभी तक तो घूमने में। और आज भी हम लोग काफी स्पेशल जगह जाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं स्पेशल, यहाँ पे छोले कुलचे की दुकान है, वहाँ जाने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं नंगल में, जय सिंह जी के छोले कुलचे बहुत फेमस हैं। भैया जी, बनाइए एक प्लेट स्पेशल छोले कुलचे यहाँ पे, ठीक है ना? दिल्ली के अंदर भी मेरे को ऐसा टेस्ट नहीं मिला यहाँ पे। देख लीजिए गाइस, क्या छोले हैं, एकदम बढ़िया। ये मसाले जा रहे हैं अंदर से, ये एकदम फ्रेश बनता है ना सब कुछ इधर। कितने साल हो गए भैया इधर जय सिंह जी को? 45 साल। देख लीजिए गाइस, 45 साल से जय सिंह जी के छोले कुलचे नंगल में है जी। तो जाने से पहले तो भैया जरूर खा के जाएंगे, मिस नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देख लीजिए खाने से पहले ही भाई को। ये है जी कुलचे, ये एक तरीके के बन टाइप होते हैं, इनका मुंह खुला होता है। अच्छा, तो इनके मुंह के अंदर बाढ़ देते हैं छोले, वो नाड़ो उनको पकड़ के ऐसे। अपना देसी बर्गर है, टिक्की के जगह आपका ये छोले है। अच्छा, छोले हैं, पोले पोले हैं। अच्छा, गर्मा गर्म छोले कुलचे हमारे पास आ चुके हैं। वही टेस्ट है, बढ़िया बढ़िया। आप लोग देख सकते हैं, तो आपका टाको के जैसे दिखाई देगा, ये टाको खाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन है ये छोले कुलचे हमारे देसी, एकदम बढ़िया। भाई मज़ा आ गया एकदम, क्या बात है, ओरिजिनल स्वाद, ओरिजिनल टेस्ट, क्या बात है। ऊपर से मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, इसमें छोले कुलचे तो बनते ही हैं। गाइस, निकल पड़े हम लोग अपनी जर्नी की तरफ, काफी स्पेशल जगह जाने वाला है। मैंडी पाजी दोबारा से हमारे ब्लॉग में, क्या हाल है पाजी? बढ़िया जी, बढ़िया जी। आज संडे एंजॉय करते हुए, हाँ, आज पाजी की छुट्टी है फाइनली। लास्ट टाइम पे पाजी नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार जरूर आए हमारे साथ में। और एक और पाजी हमारे साथ है। पाजी इधर देखो, क्या हाल है? ओहो, क्या बात है पाजी, पग बड़ी सोनी लगती है आपके ऊपर। और ये देख लीजिए सौरभ पाजी, आज गाड़ी चलाते हुए लेके जा रहे हैं, ड्राइवर साहब। हाँ जी, आज हम जा रहे हैं अनंतपुर साहिब की तरफ, वहाँ पे हम लोग एक अजूबा है, क्या नाम से पाजी अजूबा? विरासत ए खालसा नाम से अजूबा है। एंड वहाँ से उसके बाद में हम श्री अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाएंगे। आज तो मौसम भी बहुत बढ़िया है, देखो जी मौसम बढ़िया है जी। और देखो पीछे नंगल डैम दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से कितनी दूर है पाजी? ड्राइवर चढ़ यहाँ से यार करीब 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर आधा घंटा सही है। ये देख लीजिएगा, ये नंगल की अड्डा मार्केट। देख लीजिए जी, हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है और जस्ट बाहर ही आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे टिकट्स बनाई जाती हैं। और देख लीजिए पाजी क्या सूट कर रहा है यार, तू पग पहन के है, क्या बात है पाजी, जट लग रहा है पूरा मुंडा साडा। पाजी टिकट निकाल ली हम लोगों ने, क्या क्राइटेरिया? फ्री सेवा है यहाँ पे। अच्छा जी, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपका कैमरे में फोटो आ जाती है। अच्छा जी, अब हमारी एंट्री हो गई है। ये देख लीजिए जी, है जी अजूबा अपना, जो इटली वालों ने बनाया था। ये देख लीजिए विरासत ए खालसा। तो अच्छा है, अभी धूप नहीं हो रही, काफी अच्छा मौसम हो रहा है ना जी, काफी बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं सरोवर भी है बाहर, ये देख लीजिए। देख सकते हैं कहीं चेकिंग करवा ली हम लोगों ने, यहाँ पे बाहर आते के साथ ही आप लोगों को ये स्पेशल एग्जीबिशन गैलरी दिख जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा एग्जीबिशन है, पोर्ट्रेट्स है। मुझे लगता है कि पूरा 1 घंटा ही लग जाएगा इसको एक्सप्लोर करने में, क्योंकि बहुत बड़ा है। आपको इधर यूट्यूब के थ्रू पता नहीं चल रहा होगा इसका साइज, लेकिन यस बहुत बड़ा है। भाई जब लोग जब भी यहाँ पे आने का प्लान करें तो सोचें कि मतलब सुबह 7:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक यहाँ पर आएँ, क्योंकि उसके बाद बंद हो जाता है। और ये 2011 में बना था, तो लगभग अपना 13 साल पूरे हो जाएंगे जी इस साल विरासत ए खालसा को बने हुए। हाँ जी, पापा जी कुछ बताइए इसके बारे में बढ़िया। इसमें हमारा जो सिखों का इतिहास है, हाँ जी, जो हिस्ट्री रही है, सारा कुछ इसमें बताया गया है, सारा कुछ आपको डिटेल में। गाइस काफी एक्साइटेड हूँ गाइस देखने के लिए, होपफुली आप लोग भी होंगे, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। पाजी आप कितनी बार आए हैं यहाँ पे? मैं तो यार बहुत बार आ गया हूँ। चलो पाजी एक और बार सही हमारे साथ, है ना जी? हाँ 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 बिल्कुल जी।
काफी अच्छा लग रहा है गाइस, काफी हाइट में इस वक्त हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग काफी हाइट में है अभी तक तो, बहुत अच्छा लग रहा है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर में स्थित है जो कि, और ये देख लीजिए गाइस भाखड़ा डैम भी हमें मिल चुका है यहाँ पे गाइस, पूरा हैंडमेड बनाया हुआ है इधर कारपेट, और आगे जा रहे हैं हम लोग। ये देख लीजिए पूरा तारा मंडल दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को, ये ओमकार क्या है पाजी, क्या सिग्निफाई करता है? हमारे जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने मतलब बताया था भी एक ओंकार, मतलब भगवान एक है, सबका मालिक एक, सबका मालिक। हाँ जी देख लीजिए, मुगल थे जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते थे उस टाइम पे, मतलब लड़की को उठा के ले जाना तो सिख जाते थे उस टाइम पे, हाँ जी, तो वो उनकी लड़कियों को चढ़ा के लाते थे रात को 12 बजे। अच्छा, ये वो दृश्य दर्शाया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी कहीं भी सिख है जो हम लोगों को मिली है, तो वही गुरु थे ना जी, उन्होंने खालसा बनाया था। हाँ हाँ गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने खालसा का यहाँ पे स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में। हाँ जी, यहाँ दर्शाया गया है गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके साथ में बड़े साहबजादे, और बिल्कुल सीधी तरफ में आप देखेंगे तो दिखेंगे आपको छोटे साहबजादे जिनको मुगलों ने जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। तो काफी लालच दिया गया भी आप हमारा धर्म कर लो, कबूल हम आपको सारा कुछ देंगे, मतलब पैसे धन से धन जो मांगोगे देंगे, ऐशो आराम से उनके देंगे, उन्होंने मना कर दिया धर्म के रास्ते पे चले। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, कह रहे मैं आपको शायद पता नहीं हम कितने के बच्चे हैं, हम तो मतलब लोगों को सिक्खी का मतलब साथ जोड़ते हैं आप, और हमें बोल रहे हो भाई धर्म पर आप अपना धर्म छोड़ दो, वो कह रहे हैं हमारी जान जाती जाए हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, वो जो हमारे पिताजी ने मार्ग बताया हम उसके चलेंगे, वो फॉलो करेंगे। गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई दूसरे गुरु की नहीं आया बताना चाहेंगे? उन्होंने मतलब जाते जाते ये उपदेश दे दिया था ना सिखा हो भाई, अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं आएंगे, इसके बाद आपने जो गुरु है गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु माना है अपना। अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं पाजी, सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं सही है, और क्या होना भी चाहिए यार नॉलेज ना, बिल्कुल होना चाहिए हमारे जो आगे आगे लड़के, हाँ बिल्कुल, उनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, ये हमारी हिस्ट्री है, हाँ बिल्कुल हमारी हिस्ट्री है, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। सिख गुरुओं पे जो भी अत्याचार मुगलों के द्वारा किए गए थे, जो भी इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपने धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ा, तो ये दिखाया गया है। ये देख लीजिए शहीद भगत सिंह जी, किस तरीके से अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी। ये देख लीजिए जी पुराना पंजाब कितना बड़ा था जी, पुराना मैप जो था हमारा काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन यस पहले इतना ज़्यादा एरिया था पंजाब के पास में, पंजाब ने जो जो सहा पार्टीशन के वक्त वो दिखाया गया है। तो जी बस हम आ चुके हैं एग्जिट पे, तो आ चुके हैं जी हम विरासत खालसा से बाहर, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से कुर्बानियों की दम पे हम आज लोग इतना आज़ाद घूम रहे हैं उन सबके बारे में पता चला, पाजी से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है ना जी। तो पाजी हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाएंगे दर्शन करने केसगढ़ साहब। अच्छा, आनंदपुर साहब तो मेन गुरुद्वारा, आनंदपुर साहब गुरुद्वारा भी कह लेते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये बाहर इतना सुंदर बगीचा है, ये देख लीजिए इतने बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, बहुत गर्मी लग रही है बाहर निकलते के साथ ही, हम लोग लेमन सोडा पी रहे हैं यहाँ पे, अभी मजा आ रहा है देखिए जी, देखिए एकदम जबरदस्त एनर्जी आ गई इसको पी करके, अब चलते हैं जी। गाइस गाड़ी पार्किंग पे हम लोग लगा चुके हैं और आ चुके हैं गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब के जस्ट बाहर। इस ब्लॉग में कुछ कह नहीं रहे आप ज्यादा कुछ यार, ठीक है दीपक हो गया क्या है घूमने में फोकस कर रहे हैं इस बार। ये देख लीजिए मार्केट भी है जस्ट बाहर,
गुरुद्वारे की एंट्री में ही चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, लेकिन अच्छा लग रहा है काफ़ी, एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है चढ़ के ना। ये देखिए इधर का झोला सर, ये देख लीजिए पंजाबी में लिखा हुआ है कि अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बस हम लोग आपको बाहर से ही दिखा सकते हैं जी, हम लोग फटाफट से वाहेगुरु जी के दरबार में मत्था टेकते हैं और बस उसके बाद में चलते हैं आगे। बस जी हम लोग वाहेगुरु जी के आगे मत्था टेक के आ चुके हैं और बस अब लंगर की तरफ चलते जा रहे हैं। मजा आया, बहुत आनंद मिला, बहुत आराम से दर्शन हो गए। हाँ जी, जो कितने नहीं मिलेगा सुकून सुकून मिलेगा, सही बात है। यहाँ का इतिहास ये है, यहाँ पे गुरु जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने काफी अपना जीवन का जो समय है वो यहीं पे अपना जो है व्यतीत किया। अच्छा, अपने परिवार के साथ छोटे साहबजादे थे जो उनका जन्म भी यहीं का है। अच्छा जी, यहीं पे उन्होंने खालसा पंथ का जो साजना भी किया, वो मतलब सिंह हम बोलते हैं ना, सिंह जो आज नाम के विजय सिंह और कौर हाँ जी लगाते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है मतलब। ओ, अच्छा जी। हाँ, यहाँ से उन्होंने मतलब पांच प्यारे सजाए, सिंह सजाए मतलब, उनको अमृत सिखाया सिक्खी में, मतलब सिक्खी मेरा रूप है खास, सिक्खी में मैं करूँ निवास। तो उन्होंने यही बताया भाई अपने केस रखो और ज़्यादा से ज़्यादा सिख अपनी सिक्खी को साथ जुड़ो। ये देख लीजिए जी हमारी लंगर की थाली, राजमा की दाल, पीली दाल और ये रोटी या फिर प्रसादा भी कहते हैं, तो फटाफट इसको खाते हैं, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में, काफ़ी अच्छी भावनाओं से जितने भी सेवादार हैं वो खिलाते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। पाजी कहाँ पर आए हम लोग? हम इस टाइम आ रहे हैं जहाँ पे लकड़ वाला पुल बहुत फेमस है, वो पिंड रजौली है जी। हाँ। यहाँ पे लकड़ का एक पुल है, बिल्कुल वैसा तो नहीं है, किस्मत है तो कौन सा पुल था अपना, सोला नहीं क्या नाम था वो अपना, अंडोला ब्रिज, उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा ही है गाइस, मजा आने वाला है। देख लीजिए जी हम लोग आ चुके हैं खेतों के बीचों बीच और आप बोलेंगे कहाँ है वो लकड़ी का पुल, इसके लिए पाजी कह रहे थे कि बहुत फेमस है, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा जी वो लकड़ी का पुल, और मैं आपको दिखाता हूँ पास जाकर के। जी जी पास से देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ओ भाई साहब कितना बढ़िया बना रखा है। और शायद एक बाइक वाले अंकल हैं, अब ये बाइक लेके आ रहे हैं, अगर अगले दिन की बाइक चली गई तो मतलब कि हम लोग भी बहुत आराम से जा सकते हैं। सत श्रीकाल जी, भाई ये मोटरसाइकिल तो चली गई, अगर इतनी भारी मोटरसाइकिल जा सकती है तो हम तो बहुत आसानी से जा ही सकते हैं, बस थोड़ा पैरों को ना देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोहे का पुल नहीं है लकड़ी का पुल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो इसकी हरकतें, ये देखो जी गाइस। भाई मेरे को लगा कि मतलब बहुत गहरी नदी कुछ होगी, लेकिन इतनी गहरी नहीं है, बिल्कुल शैलो है। वहाँ पे जहाँ पे वो बच्चे आपको नंगे पुंगे बच्चे तैरते हुए दिख जाएंगे ना, वो है वहाँ पे गहरा है। ये देख लीजिए जी, ये देखिए जी, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। एक ही टायर के ऊपर वो सारे लड़के, देख लीजिए आप लोग किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं, सही है। और इन सबको स्विमिंग आती है, देख लीजिए बचपन में पैदा हो रखे हैं ना इधर पिंड साइड में, ये बचपन से ही तैरना सीख चुके होते हैं जी। वो दोनों के दोनों पाजी आप देख सकते हैं, ये सनरूफ के ऊपर बैठ के फोटो खिंचाई जा रही है। गाय यहाँ से देख के ना ऐसा लग रहा है कि पुल जो है वो आगे जा रहा है नदी की तरह। और ये देख लीजिए हमारे हीरो साहब आ चुके हैं, आ चुके हैं। अरे वो नहीं, वो पीछे सौरभ भैया जो है वो, उनकी बात हो रही थी। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, उन्हीं की बात हो रही थी। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, वाइब्रेशन फील हो रही है, ऐसे कोई बाइक जा रही है, बहुत वाइब्रेशन है जी, बहुत वाइब्रेशन है। ओहो, ये देख लीजिए फोटोशूट चल रहा है मुंडे का। अब गाइस ब्रिज से तो हम लोग जा चुके हैं, लेकिन भाई है ये जो है ना सड़क, ये वन वे है, एंड जिस रास्ते से हम आए थे भैया को पूरा रास्ता डार्क करते हुए लेके जाना पड़ेगा।
घर के। अच्छा, पिंड का नाम क्या है पाजी? अजोली। अजोली।